हर साल की तरह इस साल भी आदर्श नवयुवक दुर्गोत्सव समिति द्वारा माता दुर्गा की स्थापना के साथ ही भव्य झांकी तैयार की जा रही है। यहां पंजाब की छटा बिखेरती हुई झांकी तैयार की जा रही है। पंजाब की रहन सहन के साथ ही कल्चर को यहां दर्शाया गया है, जो शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। इस थीम को लेकर आयोजनकर्ता से हमने खास चर्चा की, आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आपको बताना कि आप सभी जानते भी हैं कि भिलाई शहर के गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, ये मिनी इंडिया कहलाता है। भिलाई जो है, भिलाई टाउनशिप, मिनी इंडिया के तहत हर जाति वर्ग समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं और यहाँ के दुर्गा पंडाल का हो या गणेश पंडाल हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, बता दें BSNL चौक सेक्टर 2 के दुर्गा पंडाल में है आदर्श नवयुवक दुर्गोत्सव समिति, इस समिति का नाम है। इनके द्वारा जो दुर्गा पंडाल में जो थीम दिया गया है वो पंजाब का है। जी हाँ, ऐसा लगेगा हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मानो हम पंजाब आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं, तो दर्शकों हम इस वक्त मिनी पंजाब, मतलब पंजाब का जो थीम बनाया गया है आज़ाद नवयुवक दुर्गोत्सव समिति के द्वारा, वहां पर खड़े हैं और इसकी जो आयोजक हैं रश्मि मैडम और उनके हस्बैंड प्रवीण सिंह, प्रवीण भैया दोनों ही आयोजक हैं इसके। तो हम रश्मि मैडम से जानेंगे कि जो थीम है इनको मन में कैसा आया कि पंजाब का स्वरूप यहाँ पर दें। जी मैडम, सबसे पहले आपका ग्रैंड एशियन में स्वागत। जी धन्यवाद, और मैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ के सभी भाई और बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ और इस पूजा के लिए मैं आमंत्रित भी करती हूँ आपके माध्यम से। तो ये जो ख्याल की बात आप बोल रही हैं, एक्चुअली क्या है, देखिए लोग छुट्टियों में सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, तो पंजाब एक भारत का भिन्न अंग है। जो वहाँ पे जाने से वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो मतलब जो देसी घी बोलते हैं, मतलब वो हर चीज़ वो अलग है। वो वहाँ पर एक गांव का जो वातावरण है, जो शांत है और सारे प्रदूषणों से दूर, तो लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और कई ऐसे परिवार हैं जो जा नहीं पाते हैं। तो हम लोग सोचे कि इस बार क्यों ना कुछ ऐसा थीम यहाँ भिलाई में लाया जाए जो जो दर्श मतलब जो लोग जा नहीं पाते हैं वो यहाँ उस चीज़ को देख सके। जैसे मैडम देखा गया है कि पंजाबी कल्चर और छत्तीसगढ़ कल्चर भले अलग है, लेकिन दोनों का रहन सहन और रख रखाव काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे यहाँ हम देख रहे हैं गोबर के कोपले और जो बैलगाड़ी सब कुछ है, सिमिलैरिटी काफ़ी कुछ है। कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं गई इसको बनाने में? नहीं, देखिए परेशानी कुछ भी नहीं गई है। और भिलाई एक ऐसा जगह है जहाँ पंजाबी और छत्तीसगढ़ी ही नहीं, यहाँ पर सर्व समाज के लोग रहते हैं और सारे समाज के लोग एक साथ मिल के चलते हैं, एक साथ हर त्यौहार मनाते हैं। तो आज तक ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा कल्चर अलग अलग है, हम सब मिल के एक साथ हर कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आपने बताया मिनी इंडिया है अपना भिलाई, जो पंजाब का स्वरूप देखने के लिए, इस झांकी को देखने के लिए क्या टिकट सिस्टम बनाए गए हैं? टिकट सिस्टम सिर्फ झांकियों का मेरे ख्याल से रहेगा, लेकिन भगवती का दर्शन तो वो उसके लिए टिकट नहीं है। माता की स्थापना कब की जाएगी? अब माता की स्थापना सोमवार को अपना शाम का है, अभी माता जी को कल लेने के लिए जाएंगे और माता जी का भव्य स्वागत के साथ हम लोग यहाँ पर विराजमान करेंगे और उसमें 9 दिन का पूजा चलेगा, माता जी का आराधना चलेगा। और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पंजाबी भाई लोग हैं उन लोग भी इस थीम पे बहुत खुश हैं और उन लोग बोले हैं कि हम आके यहाँ पर खुद सेवा देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि ये हमारा भिलाई का कल्चर है कि हम सब एक साथ मिलके हम हर त्यौहार को मनाते हैं। ग्रैंड एशियन के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से मैं यही दर्शकों को कहना चाहूँगी कि ये आपका पूजा है, ये आपके लिए है, आप सब आइए और इस भव्य पूजा का देवी जी का दर्शन कीजिए और अपने पंजाब का भी अपना यहाँ पर जो पंजाब की को दिखाया गया है उसको भी आइए और आप लोग देखिए और सबको अपने दुर्गा अपना नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो देखा आपने कि पंजाबी कल्चर, पंजाब का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है पंडाल को,
माता दुर्गा की स्थापना की जाएगी समिति के द्वारा, और साथ ही साथ 10 दिनों तक की पूजा आरती जो जवारे के साथ में यहाँ पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। सभी ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों से अपील करना चाहूँगी कि आप ये मौका ना गंवाएँ और इन 10 दिनों में माता के दर्शन के साथ इस झांकी को देखने भी अवश्य आएँ। नमस्कार।